नमस्कार। आइए आज हम एक ऐसे विषय में बात करते हैं जो मम्मी की, हम लोग का जो माँ होते हैं, माँ की जो छोटी बहन होता है, तो उनकी हमारा भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार भाषाएं जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में और विभिन्न प्रकार आंचलिक भाषा में हम लोग बोली में कैसे हमारा मम्मी की छोटी बहन को, जो हमारा छोटी मौसी करके हम जानते हैं, उनको पुकारते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि छोटी मौसी की अनेक नाम होती है, अनेक भाषा में और अनेक बोली में। आइए हम बात करते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ यंगर सिस्टर ऑफ आवर मदर। ये माँ का जो छोटी बहन होता है उनके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। उनको मदर्स की जो छोटी बहन होता है उनको हमारा भारतवर्ष में किस प्रकार पुकारा जाता है, आइए आज हम आपको बताते हैं मम्मी की छोटी बहन और भारतवर्ष में पुकारते हैं। हिंदी में जिसको हम लोग छोटी मौसी करके पुकारते हैं, जहां संस्कृत में हम लोग मातुला करके पुकारते हैं, वहीं पे हम लोग इंग्लिश में हम लोग ऑन्ट करके उच्चारण जहां करते हैं और जहां रिलेशन वाली बात आता है, यह है हमारा मदर्स की यंगर सिस्टर यानी छोटी बहन, माँ का छोटी बहन। आसामी में हम लोग माही करके पुकारते हैं, बंगाली में मासीमा, गुजरात में नानामासी एंड कन्नड़ा में चिकामा। मालयालम को जब हम लोग चलते हैं वहां पे तीन प्रकार बोली में चेरियाम्मा, लम्मा और कुंजाम्मा, ये हम मालयालम में बात करते हैं। जहां मराठी आता है मसीवी, जहां उड़िया वाली बात आता है सान मौसी, पंजाबी मासी, शिमला में पुंचियम्मा, तमिल में हम लोग हमारा जो यंगर सिस्टर मम्मी की है उनको चिट्टी, तेलुगु में चिन्नामा, उर्दू में खाला। और हम लोग सौराष्ट्र में जब चला जाते हैं सौराष्ट्र का बोली में नाना मौसी करके हम लोग पुकारते हैं। आइए ये छोटी मौसी की नाम अनेक प्रकार हम लोग का इंडिया में पुकारा जाता है, मैंने आप लोग का सम्मुख में रखा। जिस प्रकार प्रांत को आप जाएंगे उस प्रकार प्रांत में अगर ये बोली बोलेंगे एक अपनापन महसूस होगा और लोकल वहां का जो रेसिडेंस या लोग रहते हैं वहां का आबादी, परदेशी होने के नाते उनकी बोली जब आप बोलेंगे इनका मन में एक आपाती आती है, एक सिंपाती आता है, अपनापन आता है, उसी हिसाब से आप लोग को मान सम्मान देते हैं, चाहे किसी प्रांत, किसी भाषा, किसी बोली का नागरिक या नागरिका कहीं के भी ना हो, लेकिन उनका भाषा में जो बात कर देते हैं ऐसे एक अपनापन महसूस होता है। आइए अगर आपको मेरा ये नॉलेज अच्छा लगा और इसको आप अमल करने के योग्य उचित माने करते हो और मेरा ज्ञान को कहीं जीके के और कोई कंपटीशन की ओर से आप लोग व्यवहार करेंगे, अगर अगर कुछ ना कुछ आपको इसी में सहयोग मिलेगा जरूर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।